जय भोलेनाथ जय शिव शक्ति कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की फिर बात करेंगे करियर की एंड इन एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं आई वेलकम यू सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ओके फॉर ऑल द एरियज पीपल मुझे ऐसा लगता है uh, देखिए uh, हो सकता है आप लोगों के बीच में uh, अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि यस uh, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रही है उथल पुथल चल रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं uh, हो पा रही है ऑन द अदर हैंड आपकी जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात कहीं ना कहीं होती रहती है मैं ये नहीं कहूँगी बिकॉज uh, आपकी लाइफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स uh, चल रही हैं रिलेटेड टू समथिंग हो सकता है ये फाइनेंस को लेके हो हो सकता है ये किसी चीज़ को लेके हो डेफ़िनेटली कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है येस मे बी हो सकता है uh, कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं शैटर्ड हो चुके हैं बिकॉज आप कभी कभी उनसे बात करते हैं इट्स लाइक कि uh, कभी कभी रेयरली राइट सो मुझे ये चीज़ें आपकी तरफ से दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल बिकॉज क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं आपकी लाइफ में uh, इतना कुछ चल रहा है तो इस वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड हैं और कुछ ना कुछ यू uh, नो you know, आपको बॉडर कर रहा है uh, हो सकता है कि फैमिली इशूज़ हों हो सकता है थर्ड पार्टी इशूज़ हों हो सकता है uh, कि फाइनेंस को लेके या आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा uh, इस टाइम इनसिक्योर है तो इस वजह से और ये जो पर्सन है मायूस हैं होपलेस हो रहे हैं और क्योंकि आप लाइक ब्रेड क्रम्प इट्स अबाउट इन एंड आउट ऑफ लाइफ कभी कभी बात हो जाती है कभी कभी मिल रही है तो ये चीज़ उनको बहुत ज्यादा होपलेस कर देती है सो so, uh, मुझे ऐसा लगता है अगेन Uh, कि uh, आने वाले हफ्ते में मुझे अगेन यही लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की कोई क्लियर कम्युनिकेशन होगी हो सकता है कोई आप लोगों को uh, कुछ क्लैरिटी मिले आ, आप आप लोगों की जो सिचुएशन के बारे में हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात करें ये आपसे बात करें तो सिचुएशन में कोई क्लैरिटी या मे भी हो सकता है कि थर्ड uh, पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है अब ये आपके तरफ से भी हो सकती है हो सकता है आप मैरिड हैं हो सकता है ये पर्सन मैरिड है तो मुझे एक यू नो लाइक एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है सो so, ये चीज़ uh, हो सकता है आप लोगों की लाइक uh, क्लैरिटी like, आए बात की एंड मोर ओवर एक चीज़ और है इफ़ यू आर मैरिड तो मे भी हो सकता है कि uh, कोई आप इंस्पायर कर सकता है ये बात हो सकती है आप लोगों की uh, या आप लोगों की लाइफ में आई डोंट नो अपने पार्टनर के साथ कुछ uh, लाइक नोक झोंक चल रही हो तो ओवरऑल इश्यूज uh, ये दिखाई दे रहे हैं इन योर लव लाइफ फॉर ऑल यू पीपल फॉर ऑल यू एरीज पीपल और आप मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कोई यहाँ पे uh, बहुत ज़्यादा लाइक हेल्पलेस फील कर रहा है आपके पार्टनर ये हो सकते हैं और आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत uh, कर रहे हैं कि एक uh, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए वो एक यू uh, नो you know, एक कामनेस आए एक पीस uh, आए जो कि बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लगता है हिंडर्ड सिचुएशन uh, में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की यस करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि यू आर सीकिंग ऑप्शन में भी हो सकता है कि आप प्रे कर रहे हैं कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में यू uh, नो you know, कुछ ना कुछ लाइक uh, मैनिफेस्ट like करना चाहते हैं या आप हो सकता है कि uh, किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं दोबारा से या यू आर सीकिंग ऑप्शन और uh, कुछ लोग हो सकते हैं टीचर हीलर राइट ये आपका हो सकता है कि um, लाइक uh, like, uh, आपका ये काम हो राइट right? आपका प्रोफेशन हो ये आप इसमें uh, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि uh, कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है रिलेटेड टू समथिंग और लेकिन उस स्ट्रगल को छोड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए प्रेयर्स कैन डू वंडर्स अगर हम आ, प्रे करते हैं अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं और अगर हम उसमें बिलीव करते हैं तो वो बहुत सारे चेंजेस ला सकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि येस आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में से निकल के आ, यू आर लाइक क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कर रहे हो लेकिन अभी आप किसी को नहीं बता रहे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ uh, कुछ like uh, uh, like या सीख रहे किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हों कुछ बिल्ड कर रहे हों तो ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं एडिज पीपल के लिए या इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑनलाइन राइट मान लीजिए आप ऑनलाइन टीच कर रहे हो या ऑनलाइन कोई क्लासेस ले रहे हो ऑनलाइन कोई नॉलेज किसी चीज़ की बिल्ड कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा फ्रूटफुल साबित हो सकता है मुझे आ, ऐसा लग रहा है इन द फ्यूचर राइट सो हो सकता है कि uh, कुछ टाइम आपके लिए ये पेशेंस रखने का हो और मैनिफेस्ट करने का हो आगे बढ़ने का हो प्रेयर करने का हो एंड स्पेशली आई एम गेटिंग यू शुड लाइक आपको प्रेयर करनी चाहिए नियर फुल मूव मून right? राइट आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए फुल मून रिचुअल भी करना चाहिए तो वो आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और कुछ लोग हो सकता है बिजनेस रिलेटेड uh, किसी से गाइडेंस ले रहे हों पूछ रहे हों किसी के साथ मिलके कुछ सोच रहे हों लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द एरीज पीपल क्लिंगिंग टू द पास्ट येस मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट या मे भी हो सकता है कि आप वो अब वो वक्त आ चुका है कि आपको उनको पीछे छोड़ना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल प्लेफुल का मतलब क्या है कि अपने आप में हैप्पी राइट डोंट बी को डिपेंडेंट और कुछ जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं चाहे वो रिलेटेड टू योर लव लाइफ है चाहे करियर है जो भी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं मुझे लगता है आप बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या यू नो यू आर सफरिंग सफ़रिंग इन साइलेंस सफरिंग इन पेन ठीक है तो इट्स बेटर uh, कि आप थोड़ा सा लाइफ को अगेन वी हैव अ मून कार्ड अगेन वी हैव साइलेंस। तो जैसे मैंने बोला कि सफरिंग इन साइलेंस तो उस सफरिंग को आप बना लीजिए uh, अपनी uh, लाइक अपनी वो जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ बना लीजिए डोंट लाइक सफ़र उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए अपने आप पे काम कीजिए अपने आप पे फोकस कीजिए बी लिटिल प्लेफुल कितना ब्राइट कार्ड है वी हैव प्लेफुलनेस तो इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है दैट यू हैव टेंडेंसी ठीक है और एक वुमेन uh, है जो कि हैप्पी मूड में है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पास्ट uh, में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हुआ एक्सपीरियंस uh, मतलब थ्री ऑफ वॉन्ट इट्स इट्स अबाउट वेटिंग फॉर पीरियड राइट तो बजाय कि वेट करने की बजाय कि आगे सोचने के कि फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में ये हो गया वो हो गया इट्स बेटर टू इंजॉय योर प्रेजेंट राइट सो दैट्स ऑल वी हैव आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो हू. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग टिल देन टेक केयर बाय अपना ख्याल रखिए